वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक से है, चैप्टर है एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपने कमेंट किया हुआ था। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, फिर भी आपका रिक्वायरमेंट है तो मैं इसे बना के अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सूचनाओं से आपको आईबीए खाता बनाना है, फी कलेक्शन, सैलरी पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट पेड, ये सारे खर्च दिए हुए हैं, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, ये सारे खर्च हैं। और नीचे लिखा हुआ है परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स एसेट्स होता है, बुक यहाँ पर नहीं आएगा। सिर्फ आपको इसमें क्या लेना है, एक्सपेंस लेना है डेबिट। और इसका रूल है कि आईबीए खाता एक नाममात्र खाता है, सभी खर्च आने को हम डीआर में लिखते हैं, इनकम आय प्राप्ति को सीआर में लिखते हैं। तो बाय फी, फी इनकम है, फी को सीआर में लिखो, कितना है 4,20,000, और एक्सपेंस को डीआर में। इसमें दिया हुआ है सैलरी पेड, सैलरी दिया हुआ है 3,00,000, फिर आगे है टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000, फिर आगे है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ₹18,000, फिर आगे है स्टेशनरी, ₹15,000, आगे है रेंट, ये सभी एक्सपेंस है, रेंट दिया हुआ है 12,000, फिर आगे है पोस्टेज, पोस्टेज 10,000, फिर आगे दिया हुआ है बुक्स, कितना 20,000। तो बुक संपत्ति ये नहीं आएगा, अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, सीआर में है 4,20,000, 4,20,000, इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के घटा देंगे, जो आएगा वो कहलाएगा सरप्लस, इसको बोलते हैं अधिक। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता भी है। 15, 15, 30, 18, 12, 30, 30, 30, 60 और 10, 70, 3,70,000 इसमें घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 50,000, ये कहलाएगा सरप्लस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। यदि आपके पास भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक